नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन गेन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो स्टॉक लेके आया, इसे मैं पहले भी दे चुका हूँ आप लोगों को। 27 अगस्त लास्ट ईयर मैंने दिया था दोस्तों इस स्टॉक को 1500 के रेट पर, MCX। इस स्टॉक को हम लोग पहले भी देख चुके हैं दोस्तों, और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था इसके अंदर। इस जगह के आसपास मैंने दिया था दोस्तों, 1500 पर दिया था, और 14 अक्टूबर को दोस्तों इसने अपना हाई मारा था 2125 रुपये का, यानी कि 1500 पे दिया था 14 अगस्त के आस सॉरी 27 अगस्त के आसपास, और 14 अक्टूबर को 2125 चला गया था दोस्तों स्टॉक। आप लोग मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं मैंने 27 अगस्त को दिया था या नहीं दिया था। तो 30% का रिटर्न दोस्तों, मतलब 1.5 महीने के अंदर ही देखने को मिल गया था। मैं तो केवल आप लोगों से ये कहता हूँ, जब भी आप लोगों को 10-15% मिलता है, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लिया करो। बाकी कोई ना कोई स्टॉक डेली देता रहता हूँ। अगर स्टॉक ऊपर जाता है दोस्तों, 10-15% बुक करो अपना। नीचे जाता है तो नीचे मैं एवरेज का रेट देता हूँ। बाकी जैसे ही दोस्तों मार्केट ऊपर निकल चुकी होती है अपने स्टेशन से, तो मैं आप लोगों को मना करता हूँ, आप लोग अपनी सारी कैपिटल एक साथ नहीं लगाएंगे। आपके पास दोस्तों कम से कम भी 4-5 स्टॉक अपने पास रखा करूँ, और हर एक स्टॉक के अंदर मान के चलो कि मुझे 3 बार में उसे एवरेज करना है, तो आपका फंड मैनेजमेंट भी हो जाएगा दोस्तों। स्टॉक आपने वैसे भी 200 EMA या ब्रेकआउट पे ले रखा होता है, तो आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो दूसरा दोस्तों, मार्केट को आप लोगों को टाइम देना है। टाइम के साथ साथ आप लोग काफ़ी कुछ सीखते रहेंगे, और धीरे धीरे कुछ स्टॉक में आपका SL भी लगेगा, लेकिन आपके जीतने के चांस ज़्यादा होंगे, और आप फाइनली दोस्तों विन करोगे मार्केट के अंदर। अभी इस स्टॉक का रेट 1535 के आसपास है दोस्तों। यहाँ पर मैं इस स्टॉक को क्यों कंसिडर कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। यहाँ पे मुझे सारे EMA एक जगह कंसोलिडेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पर, और ये स्टॉक दोस्तों बहुत दिन से सही से चल नहीं पा रहा। मतलब लास्ट ईयर अगस्त में भी इसी के आसपास मिल रहा था आप लोगों को, और आज भी इसी रेट के आसपास है। लेकिन स्टॉक काफ़ी अच्छा है दोस्तों, लॉन्ग टर्म का बहुत अच्छा कैंडिडेट बन सकता है। आप लोग इसे जब भी डिप में मिलता है, आप लोग इसे एक्युमुलेट करा करो, और अगर शॉर्ट टर्म में आपको जब भी 10-15% का मिलता है, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म का बहुत अच्छा कैंडिडेट ये बन सकता है दोस्तों। तो इस स्टॉक का लेवल भी डिस्कस कर लेते हो आप लोगों के साथ कि, और लेवल दोस्तों उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म में है, अदरवाइज जो लॉन्ग टर्म में बने हुए हैं उनके लिए कोई लेवल नहीं है। वो तो बने रहें, जब भी टिप आते हैं स्टॉक को खरीदते रहें दोस्तों। स्टॉक 1535 पर है, हालांकि ये बहुत ही बेहतरीन रेट है। इससे नीचे स्टॉक ज़्यादा के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों को सेफ्टी के लिए बता देता हूँ, अगर आप लोग फ्रेश एंट्री कर दें तो आप लोगों के लिए है। जिन्होंने पहले से एंट्री ले रखी है वो लोग दोस्तों पहले के हिसाब से जो मैंने रेट बता रखा है, आप लोग वहाँ पर एवरेज कर लेना। जो फ्रेश एंट्री ले रहे हैं दोस्तों, ये केवल रेट उनके लिए है 1535 पर। यहाँ पर आप अपना 50% कैपिटल लगा सकते हो, और इसके बाद आप लगाओगे दोस्तों 1300 के आसपास। स्टॉक का फंडामेंटल भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। फंडामेंटल देखने के लिए दोस्तों आप लोगों को पता ही, हम लोग टिकर टैप ऐप पे जाके देखते हैं। यहाँ जरोधा में दोस्तों इन्होंने फीचर्स दे रखा है, आप जैसे ही फंडामेंटल पे करते हो तो ये आपको टिकर टैप की वेबसाइट पे लेके चला जाता है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में दोस्तों 5 पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें से 4 पॉइंट आपको ग्रीन नज़र आ रहे होंगे। पी रेशो कंपनी का थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है दोस्तों, लेकिन ठीक है, काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, तो मुझे लगता है ठीक ठाक है दोस्तों, आप लोग ले सकते हो इसे। 2020 से 2021 में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही कम हुए हैं, लेकिन इतना चलता रहता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है दोस्तों। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके देखोगे तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर 3 पॉइंट दे रखे हैं, और तीनों ही पॉइंट ग्रीन नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि 5 साल के अंदर कंपनी ने अपना मार्केट शेयर 10% से 22% कर लिया है, यानी कि अपना मार्केट शेयर दोस्तों डबल से भी ज़्यादा कर लिया है। काफ़ी अच्छी मार्केट के अंदर पकड़ है। इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ जहाँ पर 3.07% है, वहाँ पर इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ
7.04% है, यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ भी कंपनी का डबल है दोस्तों। अगर नेट इनकम की बात करें तो जहाँ पर इंडस्ट्री का नेट इनकम 6.77% है, वहाँ पर इस कंपनी का नेट इनकम एवरेज 14.46% है, यानी कि ये भी डबल है दोस्तों। ये तो नॉर्मल व्यू के हिसाब से था, अब हम डिटेल में ग्रोथ व्यू के हिसाब से देखते हैं। ग्रोथ व्यू के हिसाब से भी दो पॉइंट दे रखे हैं, दोनों ही ग्रीन नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ 4.95% है, वहाँ पर इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 7.65% है। नेट इनकम एवरेज जहाँ पर कंपनी की 10.7% है, वहाँ पर इस कंपनी का 17.59% है। अगर मार्जिन व्यू के हिसाब से देखने जाएं दोस्तों, तो मार्जिन व्यू के हिसाब से भी दो पॉइंट दे रखे हैं और दोनों ही आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर इंडस्ट्री का EBITDA मार्जिन 41.65% है, वहाँ पर इस कंपनी का EBITDA मार्जिन 51.2% है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जहाँ पर इंडस्ट्री का एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन 29.24% है, वहाँ पर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 38.73% है। अगर हम बैलेंस शीट में जाके देखें तो बैलेंस शीट के अंदर एक ही पॉइंट दे रखा है दोस्तों, वो भी आप लोगों को ग्रीन नज़र आ रहा है। कैश फ्लो वाला पॉइंट यहाँ पर दे नहीं रखा। एक बार डिटेल होल्डिंग भी जाके देख लेते हैं दोस्तों, होल्डिंग क्या चल रही है। हालांकि मैंने देखा था दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर रिटेलर इंक्रीज कर रहे हैं, रिटेलर ने दोस्तों अपनी पोजीशन इंक्रीज करी है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, म्यूचुअल फंड भी लगातार अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड इंक्रीज कर रहे हैं। FII के पास 31% है दोस्तों, DII के पास 19% शेयर है और म्यूचुअल फंड के पास 26% शेयर है, रिटेलर्स के पास 22% शेयर है। यानी कि मोस्ट ऑफ द होल्डिंग दोस्तों बड़े इन्वेस्टरों के पास है और स्टॉक आपको कई दिनों से एक ही जगह पे कंसोलिडेट करता हुआ मिल रहा है, तो मुझे लगता है आप लोग इसे यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसी आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।